हेलो फ्रेंड्स, आयु क्रिएशन यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग करने वाले हैं इस डीसी मोटर को चेंज एसी मोटर में, और इसका स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसे करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, तो ये हम लोगों ने ले लिया है कुछ सामान। ये है एक कार्डबोर्ड, आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, प्लाईवुड ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। ये वाला एक बेयरिंग टाइप का है जो हमें इस मोटर के आगे वाले हिस्से पर ही मिल जाते हैं। दो स्क्रू चाहिए, मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर का स्क्रू का यूज़ किया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और कुछ कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप पुराने CFL वाले सर्किट से भी निकाल सकते हैं। देखिए CFL के सर्किट में भी ये रहता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो। तो सबसे पहले आपको स्क्रू ले लेना है और सेलोटेप ले लेना है। तो थोड़ा सा सेलोटेप लेंगे और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लपेट देंगे। सेलोटेप लपेटने के बाद आपको कॉपर वायर लेना है। तो ये हमने कॉपर वायर को लिया है और इसको आगे से एक छोटा सा गांठ मारेंगे, ताकि बाद में हमें ये पता चल सके कि ये वाला हिस्सा जो है तार का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसे मार्क करने के लिए हम लोग यहाँ पर छोटा सा गांठ लगा दिया है। तो अब हम इसे स्क्रू पर इस तरह से राउंड राउंड लपेटने वाले हैं। इस तरह से आप राउंड राउंड लपेटना पड़ेगा, इसे कम से कम 300 बार लपेटना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होने पर कोई बात नहीं, लेकिन आपको 300 के करीब लपेटना होगा। और हो जाने के बाद इस पर आप सेलोटेप लगा सकते हैं या स्टोन ग्लू से चिपका सकते हैं, ताकि ये दोबारा निकले नहीं। इसी तरह से आपको दूसरा स्क्रू ले लेना है और उस पर भी सेलोटेप लगाना है, और वही सेम प्रोसेस करना है, इस पर भी 300 राउंड लगाना है कॉपर वायर की। तो हो जाने के बाद अब हमें उसे साइड रख देना है और इस मोटर को ले लेना है। तो इसके साइड में 2 पिन होता है, उस पिन को इस तरह से करके हम लोग को मोटर को खोल लेना है। तो ये खुल जाने के बाद ये जो इसका पीछे वाला हिस्सा है ये हम लोग रख लेंगे और अंदर से रोटेटिंग पार्ट को निकाल लेंगे, और बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब इस पर सेट करना है। सेट करने के लिए हम लोग पीछे वाले हिस्से को लगाएंगे इस पर, और फिर इसको स्टैंड ग्लू से चिपका देंगे। इसे अच्छी तरह चिपकाना ज़रूरी है, क्योंकि मोटर का RPM जो है बहुत ही ज़्यादा होगा और ये छूट सकता है। इसे आप अच्छी तरह से चिपका लेना। ये अच्छी तरह से चिपक जाने के बाद इस पर हम लोग को रोटेटिंग पार्ट को लगा देना है, और आगे से हम लोग ये जो बेयरिंग टाइप का है इसे लगाना है। तो आगे से हम लोग इसको लगाएंगे। और इसको रोकने के लिए हम लोग नीचे से कुछ लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे। तो ये हमने ले लिया है, ये आइसक्रीम स्टिक है जो हमने छोटा छोटा काट लिया है। आप आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस बियरिंग को इस तरह से हमें चिपकाना है। तो हमने इसे स्टैंड ग्लू से चिपका लिया है, और ये चिपकना नहीं चाहिए, ये रोटेट करना चाहिए, आपको ये चेक कर लेना है। तो उसके बाद हम लोग जो स्क्रू बनाए थे उसको लेना है, और लेने के बाद उसको हमें सेट करना है। किस तरह से सेट करना है ये देखिए आप। इसे दोनों तरफ कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। तो इसे सेट करने के लिए भी आप किसी लकड़ी का टुकड़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप का यूज़ किया है। तो डबल साइड टेप के ऊपर इस तरह से लगाएंगे, और ये एकदम थोड़ा सा गैप रहना चाहिए रोटेटिंग पार्ट से,
बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आरपीएम घट जाएगा, और ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटेटिंग पार्ट घूमेगा नहीं। तो ठीक से आपको इस तरह सेट कर लेना है। तो अब आते हैं कनेक्शन पर। इसका जो एंड पॉइंट है, आप कोई भी स्क्रू का एंड पॉइंट ले सकते हैं। तो कॉपर वायर के ऊपर एक कोटिंग रहता है, उसे हटाने के लिए हम लोग इसे थोड़ा घिस देंगे। पहले ये देखिए हम लोग घिस लिए हैं, और घिसने के बाद हमको ये कोई भी स्क्रू का एंड पॉइंट जो है वो आपको जो मोटर का पिन होता है उसके एक पिन में लगा देना है। यहाँ पर अगर आपको सर्किट समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं सर्किट डायग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट थे वायर्स के, उस स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर लेना है दोनों का। अब जो बचा दूसरा स्क्रू का एंड पॉइंट, उस पर हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, और मोटर के पिन में जो एक पिन बचा हुआ था उस पर हम लोग एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग इसे चलाएंगे। ये वाला एसी करंट पर चलता है, डीसी पर नहीं चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ कितने वोल्टेज है। तो ये मैंने मल्टीमीटर को एसी पर सेट किया है, और यहाँ पर हमारे 18 एसी करंट आ रहा है। तो इसे हम लोग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट सर्किट बोर्ड से किस तरह से 20 वोल्ट तक के एसी करंट ले सकते हैं, वो भी बिना ट्रांसफार्मर के। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये देखिए हमारा एसी मोटर जो है काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहा है, और आपको इसका स्पीड का अंदाज़ा लग रहा होगा इसकी आवाज़ से। तो अब हम लोग इसका शाफ्ट को जो है थोड़ा सा लंबा करने वाले हैं, ताकि हम लोग इस पर कुछ भी चीज़ को लगा कर उसे चला सकें। तो ये हमने शाफ्ट को लगा दिया है, और इसको हम लोग थोड़ा सा कवर करने वाले हैं, ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाए और इसको हम लोग इस्तेमाल कर पाए एक मोटर के जैसा। तो इस तरह से हम लोग कवर कर लेंगे, और दोनों साइड को मैंने खुला छोड़ दिया है, ताकि ये थोड़ा सा गर्म होता है तो ये दोनों साइड कूलिंग का काम करेगा। तो इसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।